सिवान के कुख्यात माफिया अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह को पुलिस ने दबोचा। छापेमारी कर इस बड़ी माफिया को किया गया गिरफ्तार। जी हां, बिहार के सिवान से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बड़े शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। मैरवा थाना क्षेत्र के धरनी छापर के बंद पड़े पेट्रोल पंप के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कुख्यात शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ जारी है। शराब माफिया की पहचान देवरिया जिले के जंजीरहा गांव निवासी और ग्राम प्रताप छापर प्रधान अजीत सिंह उर्फ जड़े सिंह के रूप में हुई है। मैरवा 2 SDPO अजीत कुमार सिंह चौहान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए शराब माफिया के ऊपर गुठनी थाना सहित सीमावर्ती थानों में करीब एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि अजीत सिंह मैरवा थाना क्षेत्र के धरनी छापर के समीप पुराने पेट्रोल पंप के पास मौजूद है। उन्होंने बताया कि मैरवा प्रभाग इंस्पेक्टर मुकेश झा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद गठित टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर शराब माफिया अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पर कई मामले दर्ज हैं। सिवान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के सबसे बड़ा शराब माफिया माने जाने वाला शातिर अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस को लंबे समय से जड़ी सिंह की तलाश थी। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछा रखा था, लेकिन वह हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। पुलिस के अनुसार इस माफिया पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। वहीं माफिया की गिरफ्तारी से पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। तो बड़ी खबर फिर से बता दें कि जिले का सबसे बड़ा शराब माफिया माने जाने वाला शातिर अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस को लंबे समय से जड़ी सिंह की तलाश थी।